हेलो एवरीवन, मैं जया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कुक एंड क्रिएट में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कोल्हापुरी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़े चम्मच जीरा, 1 बड़े चम्मच धनिया, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट, और इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पे भून लेंगे। 3 मिनट हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच खसखस और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, और इसे 1 मिनट तक स्लो आंच पे भून लेंगे। और ये मसाला अच्छे से भून जाए तो इसे हम अलग निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसके लिए एक टोमेटो प्यूरी बनाएंगे। टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर और 8 से 10 काजू। इन सबका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डाल करके अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे जीरा, तेज़पत्ता, चॉप किया हुआ हरी मिर्च, चॉप किया हुआ लहसुन। इन सबको 1 मिनट तक अच्छे से भून लें और इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नारियल वाला मसाला और टोमेटो प्यूरी। इन सबको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। और जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है तब तक हम पनीर फ्राई कर लेते हैं। तो पनीर फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे प्याज, कैप्सिकम। 1 मिनट भुनने के बाद हम डाइस में कटा हुआ पनीर ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सबको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई होने के बाद हम मसाला चेक कर लेते हैं। मसाला बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और 1 उबाल आ जाने के बाद पनीर मिक्स कर देंगे। इसमें पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि आपको कितना गाढ़ा या कितना पतला रखना है। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के लिए नमक और गरम मसाला, और इन सबको डाल करके हम 5 मिनट तक पकने देंगे। पाँच मिनट हो जाए तो हम इसे चला लेंगे और इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम और कसूरी मेथी डालें और ये हमारा पनीर कोल्हापुरी तैयार है।